Right, let's also cut across to the live visuals that we're getting in terms of gallantry awards being given out by the president. Let's take a look at that. पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी, घायल होने के बावजूद इस जाबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर डोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। नायक सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट 34th बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। मरणोपरांत नायक सूबेदार सोमवीर 34th राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए तीन कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की। एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। That was the latest from the Gallantry Awards there, where our braves are being honored by President Kovind.